नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाइघर प्रखंड क्षेत्र के बरवाड़ी खेल मैदान में संपन्न हुआ चतुर्थ राष्ट्रीय आयरन बॉल प्रतियोगिता में असम चैंपियन बना। प्रतियोगिता के अंत में विजेता एवं उप विजेता को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने पुरस्कृत किया। विधान परिषद के सभापति ने कहा कि इस तरह का खेल बिहार में पहली बार हुआ है, यह बदलते बिहार की तस्वीर है और इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। मुजफ्फरपुर से सज्जन कुमार की रिपोर्ट। हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। ये बिहार के सुदूर देहाती इलाके में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खेल का सबसे बड़ी पहलू इस पूरे खेल का यही है कि यहाँ पर आके ये लोग इतने दिन रहे और 18 टीम पूरे देश के बच्चे आए थे और यहाँ खेल हुआ। गांव के लोगों ने बहुत उत्साह से सबका उत्साहवर्धन करते हुए सभी आयोजन को लोगों ने देखा। ये मैं तो समझता हूँ राष्ट्रीय एकता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठता है। यहाँ तक खेल की बात है, आयन बॉल का जो खेल है ये तो बहुत पुराना खेल नहीं है। बावजूद इसके जो आयोजक लोग हैं, इसके सभी लोग, हम लोग भी इस खेल को पहले दूसरी बार ही देख रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह चौहान साहब हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बताया गया कि 40 देशों में इस खेल को खेला जा रहा है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि ये खेल बहुत जल्दी बहुत ही लोकप्रिय होगा पूरे दुनिया में, इसलिए कि कई एक खेलों का मिश्रण ये खेल है। हर खेल से कुछ न कुछ लगता है जैसे कि इस खेल में कुछ उधार लिया गया हो और उसको अपनाया गया हो इस पूरे खेल में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है, बहुत दिलचस्प खेल है। जो लोग जीते हैं, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग रहा, जो जीते हैं वो 582 उनको अंक आए और जो नंबर दो पे रहे उन्हें 581 आए। तो कितना इंटरेस्ट और दिलचस्पी सारे बच्चों ने खेला है। हमारे बिहार का टीम भी तीसरा आया, मैं बिहार की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आसाम नंबर वन पर रहा, उन्हें बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश नंबर दो पर रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस खेल का आयोजन जो यहाँ पर हुआ है इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये खेल देहात में जा रहा है, कई एक राज्यों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बिहार की संस्कृति को देख रहे हैं, बिहार की लोगों का कितना प्रेम है, कितना उत्साह है वो देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं सारे आयोजकों को और हमारे ग्रामीण इलाकों के, हमारे हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा भी है ये, तो इन सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और जितने लोगों ने पूरे आयोजन में हिस्सा लिया उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। सारे बच्चों के चेहरे पर खुशी है और इस खेल के लिए इसी तरह से हम लोग को चाहिए कि पूरे बिहार में अलग अलग ज़िलों में देहाती इलाके में इसका आयोजन हो ज़्यादा से ज़्यादा और उस खेल की लोकप्रियता बढ़े, यही मैं शुभकामना देता हूँ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते हैं WCNews.in।